प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही SkyMet AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, SkyMet वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावा। तो पहले आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि जो साइक्लोन ताऊते था, यानी समुद्री तूफान ताऊते अरब सागर में बना था, उसके बाद एक नया डेवलपमेंट होने वाला है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में एक नया तूफान यास डेवलप होने वाला है, जो यानी कि ओडिशा के उत्तरी तट या पश्चिम बंगाल के दक्षिणी तटों को प्रभावित कर सकता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में क्या हुआ। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब और हरियाणा में बारिश हुई है, और उत्तराखंड में जैसे हमने बताया था कि भारी बारिश होने वाली है, वैसा ही हुआ। काफी ज्यादा भारी बारिश है, कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश देखी गई और कई इलाकों में जल भराव देखा गया, और जो नदियां थी और जो नाले थे वो उफान पर थे, लैंडस्लाइड मडस्लाइड भी देखा गया। और वो जो रीजन था, यानी कि ये जो उसके अवशेष थे ताऊते के, ये ऊपर की तरफ आए, नॉर्थ की तरफ आए, पश्चिम विक्षोभ था, साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, तो उसका मिला जुला प्रभाव देखने को मिला। लेकिन आज जो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, इन इलाकों में जो बारिश की गतिविधियाँ थी, वो पश्चिमी विक्षोभ और जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब के आसपास बना हुआ था, वहां से एक तरफ रेखा आ रही थी, उसके कारण था। तो अब मौसम साफ हो चला है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में, लेकिन अब एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो सेंट्रल पाकिस्तान में है, एक पश्चिमी विक्षोभ है जो जम्मू कश्मीर के आसपास आ गया है, एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, यानी मध्य उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, और यहाँ से एक तरफ रेखा पूर्वोत्तर राज्यों तक जा रही है, और एक तरफ रेखा ये विदर्भ, मध्य प्रदेश होती हुई, महाराष्ट्र होती हुई, गोवा होती हुई अरब सागर में जा रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है, ये बना है आपका साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, वहां से एक तरफ रेखा ये चेन्नई के तटों से होती हुई नीचे तक जा रही है, और एक लो प्रेशर एरिया बन गया है जो बंगाल की खाड़ी में बना है, जो ये लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे सशक्त होकर साइक्लोन बनेगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से ही, क्योंकि उत्तर भारत में अब जो वेदर एक्टिविटी है किस तरह की होने वाली है। तो अब पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ दिल्ली, इस इलाके का मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। जैसा पहले दो दिनों के दौरान आपने देखा था कि भारी बारिश हुई थी उत्तर प्रदेश में, वैसी बारिश नहीं होगी। अब धीरे धीरे जो रेन इंटेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर अब धीरे धीरे राहत मिलेगी इस इलाके से। और आज बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य, इन सारे इलाकों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है, और जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें कल से बारिश की गतिविधियों में थोड़ा कमी आएगी, 25 तारीख को एक बार फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक के लिए कमी आने की संभावना है। हालांकि पूरे पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अब बारिश की गतिविधियां 24 घंटे के बाद कम होना शुरू हो जाएगी। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में अब एक ये ट्रफ रेखा आ रही है, तो इसके प्रभाव से हो सकता है कि जो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले हैं, छत्तीसगढ़ है, इस इलाके में लाइट रेन और एक दो मॉडरेट स्पेल हो जाए, बहुत ज्यादा बारिश अब नहीं होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और यहाँ से जो ट्रफ रेखा ये गुजरात के पश्चिम तक आ रही है, यानी कि साउथ सिंध तक आ रही है, इसके प्रभाव से आज और कल मुल्तान और उसके आसपास के जो इलाके हैं, यानी कि जो पाकिस्तान के जो पंजाब रीजन है और उत्तरी सिंध है, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां होंगी, हो सकता है धूल भरी आंधी भी चले, और इसका असर देखने को मिलेगा पश्चिमी जिले जो है राजस्थान के, जैसलमेर, जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश आज और कल हो सकती है, और उसके बाद ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे आगे आएंगी, यानी कि पश्चिमी जिलों से मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन बाकी जो इलाके हैं, तो जयपुर और अजमेर वगैरह, इन इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां या मेघ गर्जना होगी, यानी बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन जो शुष्क मौसम था उसे एक बार फिर कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। गुजरात का मौसम शुष्क रहेगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश का मौसम भी शुष्क रहेगा, और अब ये जो एरिया है, यानी कि विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां ना के बराबर होंगी, ऑलमोस्ट ड्राई वेदर ही रहने वाला है, यानी कि अगले दो तीन दिनों तक कोई भी वेदर एक्टिविटी इस इलाके में नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो गोवा और उसके आसपास के इलाकों में गरजने वाले बादल छा सकते हैं और थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में कई दिनों के बाद हमने देखा चेन्नई और उसके आसपास अच्छी बारिश हुई है, यानी तमिलनाडु के ज्यादातर इलाकों में ठीक ठाक बारिश हुई है। हालांकि पहले तो बारिश हो रही थी अंदरूनी इलाकों में हो रही थी, लेकिन जो किनारे थे, यानी तटीय इलाके थे, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां ना के बराबर थी, लेकिन अब चेन्नई बारिश हुई है। उसका कारण आपको बताते हैं, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बना है, वहां से एक तरफ रेखा
तटीय तमिलनाडु होते हुए केरल तक आ रही है। तो इसके मिले जुले प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियां हो रही है। जब इस तरह की ट्रफ रेखा बनती है तो हवाएं इस तरह से यानी कि एंटी क्लॉक वाइज ऊपर ऊपर की तरफ उठती है और बारिश होती है, बादल बनते हैं। तो आज और कल चेन्नई में बारिश की गतिविधियां हो सकती है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगी लेकिन पैची रेन होगी। और उसी तरह पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, तंजावुर, इन सारे इलाकों में बारिश हो सकती है। केरल में अच्छी बारिश होगी और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अब बेंगलुरु में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, यानी बेंगलोर में और जो साउथ कर्नाटका है, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और तटीय कर्नाटका, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। रायलसीमा यानी चित्तूर, नेल्लोर, कडप्पा, इन सारे इलाकों में भी बारिश बढ़ सकती है। और जो बाकी इलाके हैं यानी कि तेलंगाना में बहुत हल्की बारिश होगी, तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और ये जो लो प्रेशर एरिया बनने वाला है इस बंगाल की खाड़ी में, ये अब धीरे धीरे, क्योंकि इस जगह पे क्या है कि जैसे हमने बताया था कि ताऊते जो साइक्लोन बना था अरब सागर में, वो कारण ये था कि सी सरफेस टेम्परेचर है, समुद्री सतह के तापमान ज्यादा होते हैं और मई का महीना एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्री मानसून सीजन में पीक इंटेंसिटी वाला होता है, यानी इस महीने में सबसे ज्यादा साइक्लोन फॉर्मेशन होने की संभावना अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में होती है। बंगाल की खाड़ी ज्यादा एक्टिव रहती है लेकिन पिछले दो तीन सालों में हमने देखा कि अरब सागर में भी जो साइक्लोजेनेसिस ज्यादा होने लगी है। अब बंगाल की खाड़ी में जो सी सरफेस टेम्परेचर है 30-31 डिग्री है, यानी कि 27 से ऊपर अगर तापमान होते हैं तो संभावना बनती है, यानी गर्मी बरकरार है, नमी मिलती रहेगी और जो वर्टिकल विंड शियर है वो भी कम है। तो उसके कारण क्या होगा कि ये जो है वेलमा लो प्रेशर एरिया बनेगा और 24 तारीख तक ये यहाँ आते आते साइक्लोन बन सकता है जिसका नाम यास होगा। और ये साइक्लोन का नाम ओमान ने दिया है, यानी अलग अलग जो 12 कंट्री है जो नाम देते हैं, तो पहले बुरेवी था जो पिछले साल था दिसंबर में था, उसका मालदीव ने नाम दिया था, म्यांमार ने जो नाम दिया था ताउते का दिया था, ओमान अब दे रहा है ये यास का नाम। तो ये अभी जो दिखाई दे रहा है कि ये इस तरह से आगे जाकर के गंगिया पश्चिम बंगाल या उत्तरी उड़ीसा के आसपास दस्तक दे सकता है 25 की रात या 26 की सुबह। इसके बारे में अभी से ट्रैक इतना क्लियर नहीं है लेकिन आपको एक अंदाजा बता रहे हैं कि इस तरह की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि साइक्लोन ताउते था वो इधर से यानी कि इक्वेटोरियल इंडियन ओशन से इतना लंबा ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आया था, यानी समुद्र में वो काफी ज्यादा देर तक रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो इस जगह बनेगा पोर्ट ब्लेयर के थोड़ा ऊपर बनेगा, यहाँ से इस जगह पर बनेगा और यहाँ से जो सी ट्रेवल है काफी कम है, यानी 2 दिनों का मुश्किल से सी ट्रेवल होगा। तो ये बहुत ज्यादा सशक्त नहीं होगा जैसे वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बना था। तो ये हो सकता है साइक्लोन बने या सीवियर साइक्लोन बने, उसको हम नजर रखे हुए हैं, स्काईमेट नजर रखे हुए हैं। जैसे जैसे इसकी डेवलपमेंट होगी हम आपको बताते रहेंगे। और इसका प्रभाव जो पड़ेगा वो अभी तक तो दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश और गंगे पश्चिम बंगाल और उसके आसपास पड़ेगा, और उसके बाद जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।